सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है दोस्तों आपके? सो दोस्तों, मैंने एक साल पहले और 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो डाली थी चैनल पे न्यू हेयर लोशन को लेके, जिससे कि बाल आ जाते हैं। सो आपने मेरी पहले की वीडियो में देखा होगा कि मेरे पूरे बाल चले गए थे और अभी आपको पूरे सर में बाल दिख रहे होंगे, छोटे 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 छोटे। सो दोस्तों, ये था कुछ वो हेयर लोशन जो कि मैंने बहुत यूज़ किया है, और ये है डर्मा रोलर, जिसको कि मैंने अपने सर पे बहुत रगड़ा हुआ है। इसमें छोटे छोटे पिंस रहते हैं, वो आपको दिख रहा होगा कि नहीं, 0.5 mm के, 0.3 mm के, इसमें सब में पिन रहते हैं। तो इसको सिर पे ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, और ये कुछ न्यू हेयर लोशन रहता है। ये एक स्प्रे रहती है, पानी की तरह लगती है, थोड़ा हल्का झाग आता है इसमें। ये UAE में मिलती है 100 और 120 दिरहम की, मीन्स इंडिया के देख लो आप अराउंड फिगर 2500 से 3000 के बीच में ये जो है ये बॉटल मिलती है, 100 ml की है। सो और ये डर्मा रोलर तो मिल जाता है आपको 10 दिरहम का, तो देख लो 10 दिरहम हो गए इंडिया के 230-250 रुपये। सो ये मैंने बहुत यूज़ किया है, ये मैंने 5-6 यूज़ किए होंगे और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करे हैं। बट हालांकि मैं आपको इसकी आज रियलिटी बताता हूँ, इससे बाल नहीं आते हैं और मेरे बाल तो नहीं आए हैं। ये जो आप पूरे बाल देख रहे हैं ये इससे नहीं आए हैं, ये मैंने बहुत कुछ यूज़ किया, इसको भी यूज़ किया मैंने, पैसे खर्चे मैंने 3 या 4 times इसके 3-3 के पैक लिए हैं इकट्ठे। सो मैंने ऑलमोस्ट 1000 दिरहम के आसपास खर्चा किया होगा इस पे, और सर पे रगड़ना, पूरा हेड रेड हो जाएगा जब इसको रगड़ते हैं। आप 0.5 mm की पिंस मारते हो तो पूरा हेड रेड हो जाता है, और मेरा एक दोस्त है वो बोल रहा है कि मेरी आई साइट पे भी फ़र्क पड़ रहा था इसे कंटिन्यू रगड़ने थे, क्योंकि इसको डेली नहीं रगड़ना होता है। डॉक्टर बोलते हैं 45 days में एक बार इसको रगड़ना होता है, बट हम क्या सोचते हैं कि हमारे गंजा जो आदमी हो जाता है उसको टेंशन होती, सोचता है कि बाल जल्दी से जल्दी आ जाए। तो मैं भी इसको बहुत रगड़ता था, पर मेरे को तो आई साइट पे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, झूठ नहीं बोलेगा। बट मैंने इसको बहुत यूज़ किया, मेरे बाल तो नहीं आए, हट फिर के मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया। फिर मैंने कुछ दिन तक कोकोनट ऑयल यूज़ किया, नॉर्मल ऑयल, और उसके बाद में मैंने क्या किया कि मैं इंडिया गया, अभी जस्ट ईद की छुट्टी हुई थी तो मैं इंडिया गया, इंडिया जाके मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। तो जो भी आप ये बाल देख रहे हैं, ये नए नए बाल जितने भी दिख रहे हैं, ये सब जो हैं हेयर ट्रांसप्लांट करके आए हैं, ठीक है जी। इसमें किसी भी तेल का, किसी भी चीज़ का, कोई भी आयुर्वेदिक चीज़ या एलोपैथिक चीज़ या न्यू हेयर ऑयल, ये कुछ भी जो है इसको लगा के मेरे बाल नहीं आए हैं। एट द एंड मेरे को तो क्या लगा कि किसी के बाल गए हैं तो उसको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना ही एक बेस्ट सुजेशन है मेरी तरफ से, और ये भी सस्ता नहीं मिलता है। अगर आप कंटिन्यू इसको यूज़ करते हो तो 1000 दिरहम और उससे ज़्यादा आप पैसा खर्चा कर देते हो। सो ये जो इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो आपको 35-40 हज़ार में या 1 लाख के अंदर अंदर हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट की बहुत सी टेक्निक है। अगर आप नॉर्मल टेक्निक से करवाते हो तो आपका 50,000-40,000 में फुल हेयर हो, फुल हेड का हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट में आपके बाल इधर से निकाले जाते हैं, इधर से निकाले जाते हैं, या तो आपकी दाढ़ी के बाल निकाले जाते हैं, वही बाल जो हैं इधर लगाए जाते हैं। जैसे कि आपने खेतों में देखा होगा चावल की खेती करी जाती है, वो बीज लगाया जाता है खेतों में, वैसे ही ये प्रोसीजर रहता है। सो मेरे बाल कुछ यहाँ से निकाले थे, कुछ यहाँ से निकाले थे, और यहाँ से दाढ़ी के भी बाल निकले हुए हैं इस जगह से। सो पूरे हेड पे मेरे 5000 क्राफ्ट निकले थे, 5000 बाल लगाए थे उन्होंने, और लगाने के बाद में आज मेरे को 20 days हो गए हैं हेयर ट्रांसप्लांट करे हुए, तो कुछ ऐसा रिजल्ट 20 दिन में दिख रहा है। और अभी क्या है कि लाइट भी कम है तो वीडियो में इतनी क्लैरिटी नहीं आ रही होगी। सो दोस्तों, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और आप गंजे हो रहे हैं तो उसका एक ही सुजेशन है मेरी तरफ से कि आप जाके हेयर ट्रांसप्लांट करवा लो। ये तेल लगाने से, लहसुन प्याज लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, और ये डर्मा रोलर रगड़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। एट द एंड आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना ही पड़ेगा, वो करवाओगे तो आपका जो है कम से कम 10 साल या 15 साल तक तो बाल नहीं झड़ने वाले हैं। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद में 80-90% जो आपके ग्राफ्ट होते हैं वो बच जाते हैं। अगर आपने 100 बाल लगवाए हैं तो उसमें से 80 बाल तो आपके बचेंगे ही, और वो कम से कम 10 से 15 साल चलते हैं, और आप उसकी अच्छी केयर करते हैं तो और भी लंबे टाइम तक चलते हैं। इसके साथ में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद में या तो आप मल्टी विटामिन की गोली खा सकते हो या तो विटामिन ई की गोली खा सकते हो, जिससे कि आपके बाल जो हैं अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों, ये मेरी तरफ से एक आपको सुजेशन है और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि किसी के बाल झड़ रहे हैं, वो बहुत टेंशन में है, लहसुन प्याज लगा रहे हैं या किसी तरफ का कोई भी केमिकल या कोई आयुर्वेदिक चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है।
आपको चुपचाप हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से एक सजेशन आपको, एक वीडियो हेयर लोशन को लेके और गंजे आदमियों को जिनके बाल झड़ रहे हैं। सो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं अभी अबू धाबी में, दुबई अबू धाबी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए और जॉब से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।